अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, होपफुली आप सारे खैरियत से होंगे। बहुत सारे लोगों के साथ ये इशू आ रहा है कि सिद्रा माइनिंग एप्लीकेशन जो है ना वो ओपन नहीं हो रही। यहाँ पे वो जब इसको ओपन करने लगते हैं तो कुछ इस तरह से लोडिंग आने लग जाती है, जो कि अभी मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। और इस जो है ना वो इशू का सोल्यूशन आपको इसी वीडियो में देखने को मिल जाएगा। जिन लोगों की ये सिद्रा माइनिंग एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रही, वो लोडिंग होकर बैक ही आ जाती है, ठीक है। अभी आपको करके दिखाता हूँ। जैसा कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ लॉग इन विद KYC पोर्ट, ठीक है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर देखें मेरे पास ये अकाउंट आ गया, ठीक है। आपके पास यहाँ पे वो पूछेगा मतलब अपना जीमेल पासवर्ड लगाएं, तो वो आपने लगा लेना जब आपसे ये अलाउ एक्सेस का ऑप्शन आता है, ठीक है। ये काफी लोगों ने मुझसे पूछा लेकिन मैंने इसको पहले सीरियस नहीं लिया। अब मेरे साथ खुद का अकाउंट ही ऐसे हो गया तो सोचा इसको जो है ना वो चेक करूं और आप लोगों के साथ जो है ना इसका भी जो है ना वो सोल्यूशन शेयर करूं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अलाउ एक्सेस करता हूँ, यहाँ पे प्रोसेसिंग ऑथोराइजेशन देखें। अब यहाँ पे ये लोडिंग हो रही है, यहाँ पे ऐसे ही सर्कल ये घूमता जाएगा और ऐसे ही सर्कल घूम घूम के खुद ही ये बैक आ जाता है, ठीक है। आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही जो है ना वो मसला पेश आ रहा होगा। लो जी, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, सिर्फ यही नहीं तारीख भी बदल गई और साथ में शर्ट भी बदल गई और दिन भी बदल गया। दरअसल हुआ ये कि कल जब मैं आप लोगों को समझा रहा था कि हमने जो है ना वो सिद्रा को इस तरह लॉगिन करना है, वो सीधी सी जो बात है, मेरा अपना अकाउंट ही नहीं लॉगिन हो रहा था, मैंने सारी ट्रिक्स आजमा ली थी। तो कल मैंने जब वाइट शर्ट पहनी थी तब मैं आप लोगों के साथ वीडियो बना रहा था, ठीक है। तो मैंने सारे नुस्खे आजमा लिए थे लेकिन सिद्रा लॉगिन नहीं हो रहा था। तो आज मेरा सिद्रा लॉगिन हो गया, तो ऐसा क्या हुआ कल से लेके आज तक मैंने क्या किया कि जिससे सिद्रा का अकाउंट लॉगिन हो गया, तो ये कहानी आपको सुनानी है। तो ये सुन के आपका भी जो है ना सिद्रा का अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। जिन लोगों का वो लोडिंग होती रहती है, वो घूमता रहता है, ठीक है, तो वो घूमने से हम हटा देंगे, क्योंकि जो जो चीज़ें मैंने कल से लेके आज तक की इसके साथ अकाउंट के साथ, वो सारी चीज़ें आपको अभी बताऊंगा, वो आपने कर लेनी है, तो आपका अकाउंट भी जो है ना वो लॉगिन हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आप लोगों की अभी तक KYC नहीं हुई तो मुझे ये भी बताएंगे KYC क्यों नहीं हुई। और अगर आप KYC के ऊपर वीडियो चाह रहे हैं कि KYC के ऊपर मेरी एक डिटेल वीडियो प्रैक्टिकल लाइव प्रोसेस करके दिखाऊं जिससे KYC बहुत जल्दी से हो जाती है, अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में जस्ट KYC पुट कर देना। जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे उतनी जल्दी आपको KYC के ऊपर डिटेल वीडियो देखने को मिल जाएगी। और लेटेस्ट अपडेट्स देखने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां भी आपको लेटेस्ट अपडेट्स देखने को मिलती रहेंगी। खैर, अब हम बात करते हैं इस कहानी की कि मैंने क्या क्या किया, ठीक है। आपने बहुत ज्यादा जो है ना वो यूट्यूब पे, गूगल पे, ChatGPT से बहुत ज्यादा मेरे पास क्वेरीज आई, हमने हर जगह से जी देख लिया लेकिन हमें इसका हल नहीं मिला। इसका हल क्या है यार, इसका हल बहुत ही आसान काम है। अब मैंने क्या किया, गौर से सुने। अब जब मेरा जो ये यहाँ पे लॉग आउट हो चुका था अकाउंट, तो मैंने इसको मतलब ना काफी पहले 4 से 5 दफा ट्राई किया, नहीं जनाबे अल्लाह ये जो है ना वो लॉग इन हुआ, इसको क्रोम में ओपन किया, ठीक है, तो फिर भी नहीं ओपन हुआ। वहां पर सारी सेटिंग्स को मैंने वहां पर चेक किया, तो अब मैंने जब इसका लॉग आउट हो गया मैंने एप्लीकेशन भी डिलीट कर दी थी, ठीक है। मैंने बाद में न्यू एप्लीकेशन इंस्टॉल की, यानी कि इसका अपग्रेडेड वर्जन, ठीक है, आपने प्ले स्टोर से इसका अपग्रेडेड वर्जन जो है ना वो डाउनलोड कर लेना है, वो डिलीट करने की जरूरत नहीं, वो मैंने एक्चुअल में ऐसे ही कर दी थी बस। लेकिन अगर आपके पास वो अपग्रेड नहीं है उसको अपग्रेड कर लेना, ठीक है, या अगर बहुत ज्यादा मसला है तो डिलीट करके दोबारा उसको डाउनलोड कर देना, सारा वो जो है ना फ्रेश आ जाएगा, कुकीज वगैरह जो वैसे ही वो सारी खत्म हो जाएंगी, ठीक है। तो बाद में आपने क्या करना, जब आप उसको लॉग इन करने की कोशिश करें तो आपने ऐसे ऐसे ना उसको रिफ्रेश करना है, ठीक है, आपने उसको कोई 10 से 20 दफा रिफ्रेश करना है, वो लॉग इन नहीं होगी इससे भी, ठीक है, आगे भी सुन लीजिएगा। आपने इस तरह उसको 10 से 20 दफा करना है, मतलब कि जब हम उसके ऊपर लॉग इन विद KYC पोर्ट, आप देखें यहाँ पे, ठीक है, आपके सामने यहाँ पे देखें लाइव ग्लिच आ गया, अभी मेरा अकाउंट लॉग इन था यहाँ पे ये चीज आ चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये लॉग इन हो जाएगा आपके सामने, ठीक है, ये मैंने रिफ्रेश किया, अभी आपके सामने देखना यहाँ पे ये लॉग इन होने वाला है, ये देख लें आपके सामने, मैंने कुछ भी नहीं किया, यकीन करें ऐसे ही ये लॉग इन हो जाता है। तो मैंने यहाँ से आगे अपने कॉइन्स वगैरह भी क्लेम कर लिए, आपने भी ऐसे कर लेने हैं, ठीक है। इसको मतलब आपने बंद नहीं होने देना, जब ये लोडिंग होती है ना आपकी तरफ लोडिंग होती रहती है, बाद में लोडिंग होने के बाद ये बैक चला जाता है, खुद ही ऐसा ही होता है वो लॉगिन वाले पेज के ऊपर। तो आपने जब ये लोडिंग हो रही है ना, पहले इसको 10 से 15 सेकंड इसकी लोडिंग होने देनी है, ठीक है, तो बाद में आपने इसको खुद रिफ्रेश करते रहना है, क्योंकि ये जब हम इसको वो लॉगिन हमारा अकाउंट हो जाता है KYC पोर्ट में जाके वहां पे हमारा अकाउंट आ जाता है, लेकिन ये पेज नहीं आता क्योंकि ये ऐप से ऑथोराइजेशन हमने लेनी होती है, उस टाइम हमें वो ऑथोराइजेशन नहीं मिलती। अगर आप देखें ना, जब हम अलाउ एक्सेस के ऊपर क्लिक करते हैं तो वहां पे क्या हमने करना होता है कि जी ऑथोराइजेशन लेनी होती है ऐप से, वो नहीं मिल रही होती, क्योंकि उस टाइम जो है ना वो यहाँ पे नंबर ऑफ यूज़र बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 70% जो है ना कम्युनिटी ये इशू सॉल्व कर रही है, अपना इशू को फेस कर रही है, तो वो यहाँ पे सारे लोग जो है ना बार बार उनको रिक्वेस्ट भेज रहे हैं वो ऑथोराइजेशन की, इस वजह से उनसे मैनेज नहीं हो पा रहा। तो जिसका जितना परफेक्ट टाइम पे रिफ्रेश हो जाएगा उसका लॉग इन हो जाएगा, ये इसका जेन्युइन हल है, ठीक है। ये नहीं कि इसको 10 बार करना है, 20 बार करना है, ठीक है, 30 बार करना है, एक दफ़ा रिफ्रेश करने से भी हो जाएगा, लेकिन अगर आपका परफेक्ट टाइम पे हो गया तो वो आपका हो जाएगा।
जाएगा, ठीक है। लेकिन ये मैंने इसको खैर इस तरह मतलब के पहले कल रात को कोई 20 दफ़ा ऐसे रिफ्रेश किया, नहीं लॉगिन हुआ। फिर मैंने मतलब लेट नाइट 2-3 बजे भी इसको ऐसे किया, फिर भी नहीं हुआ। फिर मतलब मैंने इसको सुबह उठ के जो है ना वो रिफ्रेश किया 10-12 बार, फिर भी नहीं हुआ लॉगिन। और उसके बाद मैंने इसको ओपन किया, ठीक है ना, मैंने एक दफ़ा अलो एक्सेस के ऊपर क्लिक किया है, तो मैंने एक दफ़ा रिफ्रेश किया जैसा कि अभी आपको करके दिखाया, तो ये लॉगिन हो गया। आपने भी ऐसे ही करना है, ठीक है, यानी कि ये मेरा 24 घंटे भी लॉग आउट नहीं रहा, 24 घंटों के अंदर अंदर ही मैंने रिकवर कर लिया। तो यही स्टोरी थी, मैंने इसके साथ बस रिफ्रेश ही खेला। इसको जहाँ तक मैंने स्टडी किया ना, बस यही है कि ऑथोराइजेशन लेने के लिए हमने परफेक्ट टाइम पर रिफ्रेश मार लेना है ताकि वो हमें मिल जाए, क्योंकि इनका सिस्टम, मेरा ख्याल इनकी थोड़ी जो होस्टिंग है ना वेबसाइट की, वो थोड़ी सी सस्ती है, जिससे ये देखें अभी फिर ये चला गया। खैर कोई बात नहीं, ये अभी मैं इसको रिफ्रेश मारूंगा आ जाएगा, रिफ्रेश मार देते हैं तब तक ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो इनकी होस्टिंग मुझे लगता है थोड़ी सी सस्ती है, जो यूज़र ज़्यादा है इनसे जो है ना वो संभाले नहीं जा रहे, मैनेज नहीं हो रहे, इनको होस्टिंग भी तगड़ी देनी पड़ेगी, वो भी जल्दी सर्विसेज देंगे हम। खैर लेकिन ये है कि यही सोल्यूशन आपके सामने, ये तो अब लाइव ही हो गया, मुझे नहीं पता था कि ये होगा, ये अभी वीडियो के दौरान ऐसा हो रहा, पहले ऐसा नहीं हो रहा था। इससे यह है कि आपको मजीद क्लियर हो गया होगा कि भाई इसको हमने ऐसे ही करना। अगर आपका मतलब कोई 20 दफ़ा भी रिफ्रेश करने से, मतलब सुबह आप कर रहे हैं, दोपहर कर रहे हैं, शाम कर रहे हैं, नहीं हो रहा ना, इसको छोड़ देना। फिर आपने इसको कोई 10-15 घंटे बाद ट्राई करना है, ठीक है, बाद में आपने इसको ओपन करना है। फिर एक दफ़ा ही रिफ्रेश करने से ये इंशाल्लाह आपका ओपन हो जाएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने आके बताना है कि भाई हमारा लॉगिन हो गया या हमारा लॉगिन नहीं हुआ या क्या इशू अब आ रहा है, तो आप लोगों ने बताना है, ठीक है। मेरे साथ तो ये इशू था, सबके साथ यही आ रहा है, जो 70-80% कम्युनिटी है, तो इसका सोल्यूशन यही है, आपके सामने लॉगिन करके आपको दिखा दिया है। ऐसे ही आप लोगों ने इसको कर लेना जिन्हें पहले लॉगिन। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर न्यू तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर ये ऐसा ही हो गया, अगर इसको फिर रिफ्रेश करेंगे, मैं इसे ओपन कर लूंगा ऐसे रिफ्रेश करके, तो आपने इसके रिफ्रेश करके इस तरह यार क्लेम कर लेने कोई बस, ठीक है, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। यार ये ना इनके मतलब वो एक टेक्निकल एरर है, तकरीबन जो है ना वो 70-80% कम्युनिटी इस इशू को जो है ना वो फेस कर रहे हैं। जैसे ही इनकी ऐप की अपडेट आएगी ना प्ले स्टोर के ऊपर, तो ये सारे जो है ना ये बग्स ये फिक्स हो जाएंगे, सारे ठीक हो जाएंगे, ये बार बार जो हमें खपना पड़ता है सारी जो है ना मसले मसाइल सॉल्व हो जाएंगे, आपने घबराना नहीं है। तब तक इस तरह जो मैं बता रहा हूँ ना ये ज़रा देख के तो आप लोग कर लीजिएगा।